ने 6 लुटेरे पकड़े, 100 मोबाइल व 3 बाइक बरामद। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने लूट करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। केटीएम और अपाचे पर लूट करने वाले गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 100 से अधिक एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से केटीएम, एक अपाचे बाइक, 5 तमंचे सहित 31 कारतूस भी थाना सेक्टर 58 पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़े गए लुटेरों ने पुलिस की पूछताछ पर यह भी बताया, थाना 58 क्षेत्र में ज्यादातर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। डीसीपी प्रथम राजेश एस द्वारा 58 पुलिस टीम को 25,000 की पुरस्कार राशि भी दी गई है। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक मोबाइल स्नैचर्स गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें 4 लोग मोबाइल स्नैच करते थे और 2 लोग इस मोबाइल को खरीद के बेच के इन लोगों को पूरा एक तरफ गैंग संचालन कर रहे थे। इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये केटीएम बाइक और एक अपाचे बाइक जो पहले से चुराए थे, ये लोग दिल्ली से भी और हमारे नोएडा से भी चुराए थे, उस बाइक से घटना कर रहे थे। अभी तक कुल हम लोग 105 मोबाइल्स, सबसे ज्यादा रिकवरी नोएडा कमिश्नरेट में जो मोबाइल स्नैचर्स के गैंग पकड़ने के बाद, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिकवरी जो मोबाइल्स का हमारा टीम ने किया है, इसमें कनेक्टेड लगभग 20 से 25 घटनाएं कनेक्ट हो चुकी है और वादी लोग आ रहे हैं जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। ये लोग घटना दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र में करते थे। इन लोगों का टारगेट जो महिलाएं जो अकेले पैदल जाते थे और जो फैक्ट्री वर्कर्स है, सुबह और शाम को जो फैक्ट्री से छूटते हैं उन लोगों को टारगेट करते थे। और बीच में रिसेंट में ये भी पता चल गया कि जो महिलाओं को ये लोग जब छीनते समय अगर विरोध करते उन लोगों को थप्पड़ मार के भी ये लोग मोबाइल छीन के चले जाते थे। तो इस घटना को खुलासे के लिए हमारा ACP2 रजनीश के नेतृत्व में अलग से 2-3 टीम लगाए गए थे। उसमें इन लोगों का सेक्टर 58 का टीम को सफलता मिली है और हम इन लोगों को पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया और इन लोगों के खिलाफ अच्छे से गैंगस्टर भी लगाएंगे। सर, इन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं और अब से पहले इसमें बताया जा रहा है कि एक का एनकाउंटर भी हुआ था गाजियाबाद में। आपको कहना चाहिए कि इसमें ज्यादातर लोगों को क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये बाइक चुराने का और मोबाइल स्नैचिंग का घटना में भी जेल जा चुके हैं। हमारा 58 थाने से भी और 24 थाने से भी जेल जा चुके थे। इसलिए हम लोगों को जो पुराना क्रिमिनल्स का हम लोग जो लिस्ट तैयार करके हम लोग पीछे कर रहे थे, इसमें जो आदित्य है और आकाश है, इन दोनों को हम लोग एक तरफ हम लोग पीछे कर रहे थे और लगभग 7 महीने जेल में रह के आ चुका था। तो हम लोग जब पुराना क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे थे, ये फरार मिल रहा था, तब इन लोगों को हम लोगों को एक तरफ एक आइडिया लग गया कि ये घटना कर रहा है। तो फिर हम लोग पूरा एक तरफ टीम बहुत मेहनत करके इन पूरा गैंग को पकड़ा। नोएडा